बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से होंगे। आज सिक्स क्लास हमारा मैथ्स का लेक्चर नंबर 17 जाएगा, जिसकी डेट है हमारे पास 30 जुलाई 2020 एंड डे है हमारे पास थर्सडे। क्योंकि हमने अपने जो था लेक्चर नंबर 16 उसमें रिव्यू एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था और क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हमने सॉल्व किए थे, और आज हमारा रह गया था सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 और 7। हम इसकी सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज, ठीक है। अब जो था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, वो सेम वैसे ही है जैसे हमने लास्ट को प्रूव किया था, एडिशन के, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के, ठीक है। कमोटेटिव भी था, एसोसिएटिव भी था। तो मुझे लगता है कि अगर जिन बच्चों को समझ आ गई होगी उनके लिए ये भी एक्सरसाइज आसान होगी, जैसे कि 2.5 थी। तो इसके भी मैं कुछ पार्ट्स आपको करवाऊँगी सॉल्व, लाइक 3 पार्ट्स मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 के करवा रही हूँ सॉल्व, और हमारे पास टोटल है इसके 6 पार्ट्स, और बाकी जो 3 होंगे वो आप लोग खुद से सॉल्व करोगे। अब आप लोग आएंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पास फर्स्ट है, वो कह रहा है प्रूव एंड आइडेंटिफाई द लॉ, कि आपने प्रूव भी करना है और आइडेंटिफाई भी करना है। और इसका फर्स्ट पार्ट है 11 मल्टीप्लाई बाय 28 प्लस 72 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाय 22 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 72, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, एज इट इज राइट करने के बाद सबसे पहले मैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करूँगी। 28 प्लस 72, ब्रैकेट वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे ना, तो 28 प्लस 72, तो मैं अपने रॉप अप में इसको ऐड कर लूँगी। 28 में 72 ऐड करने से 2 and 8 10, 0 and 1 carry, 2 and 7 9 and 1 10, तो 100 आ गया। अब 11 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1100 जा 1100। अब मैं अपने सॉल्व करूँगी राइट हैंड साइड में सबसे पहले इस ब्रैकेट को, बाद में इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे एक ही स्टेप में, 11 मल्टीप्लाई बाय 28। अब यहाँ पर देखें, जैसे 8 1 जा 8 8 1 जा 8, 2 1 जा 2 2 1 जा 2। अब दोनों के आंसर्स को मैं क्या करूँगी, ऐड करूँगी, 8 2 and 8 10, 0 लगा 1 carry, 2 and 1 3, तो क्या आंसर आया मेरे पास, 308। अब मैं 11 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 72 के साथ। 11 मल्टीप्लाई बाय 72, 2 1 जा 2 2 7 जा सॉरी 2 1 जा 2 2 1 जा अगेन 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर 7 1 जा 7 7 1 जा 7। अब दोनों के आंसर को मैं अगेन क्या करूँगी, ऐड कर लूँगी, 2 2 and 7 9 and 7 792, तो 308 में ऐड अब क्या करना है मैंने, 792। अब यहाँ पे मैं ऐड कर लेती हूँ 792 में 308। यहाँ पे देखें, जैसे 2 and 8 कितने हो जाएंगे मेरे पास, 10, 0 लगा 1 carry, 9 में 1 ऐड करेंगे, 10, 0 लगा 1 carry, 7 and 3 10 and 1 7 and 3 10 and 1 11, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 1100। अब यहाँ पे देखिए प्रूफ हो गया 1100 किसके इक्वल है, 1100 के नीचे मैं स्टेटमेंट लिखूंगी, सॉरी ये मेरे पास आएगा बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोथ साइड्स आर इक्वल, ये हमारे पास कौन सा लॉ था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब आप लोग इसके सेकंड पार्ट की तरफ आएंगे, वो कह रहा है 842 प्लस 248 प्लस इज इक्वल टू 248 प्लस 842। यहाँ पे देखें कि उसने दो हमारे पास टर्म है और दोनों का जस्ट ऑर्डर चेंज किया हुआ है, तो मैं क्या करूँगी, एज इट इज़ लिखूँगी। एज इट इज़ लिखने के बाद पहले मैं हम क्यों सॉल्व करेंगे अपनी लेफ्ट हैंड साइड, टॉप अप में ऐड करूँगी, 842 प्लस 248, 2 and 8 10, 0 लगा 1 carry, 4 and 4 8 and 1 9, 8 and 2 10, तो क्या आंसर आ रहा है, 1090। अब देखिए उसने जस्ट ऑर्डर चेंज किया हुआ है, तो मैं 248 को 842 में ऐड करूँगी तो आंसर तो मेरे पास फिर वही आएगा, तो इसको ऐड नहीं मैं कर रही। तो यहाँ पे मैं लास्ट में स्टेटमेंट लिखूंगी, बाय कॉम्यूटेटिव लॉ बोथ साइड्स आर इक्वल, कॉम्यूटेटिव लॉ के मुताबिक दोनों साइड्स के हैं एक दूसरे के बराबर हैं। इसका फिफ्थ पार्ट देखें, वो कह रहा है 48 प्लस 37 प्लस 55, ठीक है, इज इक्वल टू 48 प्लस 37 प्लस 55। एज इट इज़ लिखा मैंने, एज इट इज़ लिखने के बाद मैं अपनी सॉल्व करूँगी लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले मैं सॉल्व करूँगी किसको, अपने ब्रैकेट वाले पोर्शन को, 37 में किसको ऐड कर रही हूँ, 55। यहाँ पे देखिए अपने रफ वर्क वाले मार्जिन में मैंने ऐड किया, 7 and 5 12, 2 लगा 1 carry, 3 and 5 8 and 1 9 92, 92 प्लस 48, 92 में मैंने 48 ऐड किए, तो ठीक है मेरे पास आंसर आ रहा है 140। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले 48 प्लस 37 है, मैंने यहाँ पे ऐड किया 48 प्लस 37, आंसर आ रहा है मेरे पास 85 85 में मैं 55 को जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, 85 में 55 ऐड किया, 5 and 5 0 10, 0 लगा 1 carry, 8 and 5 13 and 1 14, तो 140 किसके इक्वल बन गया, 140 के। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 टर्म्स हैं, तो मेरे पास क्या कौन सा लॉ होगा, ये एसोसिएटिव लॉ होगा। मैं लिखूँगी स्टेटमेंट, बाय एसोसिएटिव लॉ बोथ साइड्स आर इक्वल।
अब रिव्यू के बाद हम अपनी ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। कोई ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज का आप फर्स्ट क्वेश्चन जैसे देख रहे हैं, कह रहे हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमने क्या करना है, जो आंसर्स होंगे उनके क्वेश्चंस राइट करने हैं। जैसे कह रहे हैं व्हाट इज़ द नंबर, पहला सवाल है उसका कि नंबर क्या है, तो इसका आंसर सारे बच्चे राइट करेंगे। अ नंबर इज़ अ कॉन्सेप्ट डैट हेल्प टू आंसर अ क्वेश्चन ऑफ हाउ मैनी। नंबर हमारे पास कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें किसी भी सवाल के बारे में बताता है कि ये कितने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसका व्हाट आर न्यूमेरल्स, न्यूमेरल्स क्या हैं, द सिंबल्स ऐसी अलामत विच आर यूज, जिसको हम यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं टू रिप्रेजेंट नंबर्स, नंबर्स को नंबर्स की नुमाइंदगी करने के लिए आर कॉल्ड न्यूमेरल्स। अगेन पढ़ रही हूँ, द सिंबल्स विच आर यूज टू रिप्रेजेंट द नंबर्स आर कॉल्ड न्यूमेरल्स। थर्ड पार्ट है इसका वाई जीरो इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी, जीरो को हम एडिटिव आइडेंटिटी क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर हमने अपनी थ्योरी में पढ़ा था, आप लोग आएंगे अपने पेज नंबर 19 पे। पेज नंबर 19 पे ये वाला इसका आंसर आप लोग मार्क करेंगे। यहाँ से द सम ऑफ अ होल नंबर एंड अ जीरो इज ऑलवेज द नंबर इटसेल्फ, हेंस जीरो इज नोन एज द एडिटिव आइडेंटिटी। किसी भी होल नंबर का सम जीरो के साथ क्या होता है, हमारे पास वो होल नंबर ही होता है, तो जीरो उसका क्या हो गई, उसकी एडिटिव आइडेंटिटी होगी। ये इसका थर्ड पार्ट होगा। आप लोग अपने फोर्थ पार्ट पे आएंगे। वो कह रहा है विच होल नंबर इज द सक्सेसर ऑफ जीरो, जीरो का सक्सेसर क्या है हमारे पास, वन, तो मैं लिखूंगी वन इज द सक्सेसर ऑफ जीरो। अगर देखें फाइव, व्हाट इज मेंट बाय द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द टू नंबर्स द रिजल्ट डज नॉट चेंज। ऑर्डर को चेंज करने की है, करने से हमारे पास दो का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का हमेशा रिजल्ट क्या होता है, सेम होता है, चेंज नहीं होता। अब आप लोग आएंगे अपने फिलिंग द ब्लैंक्स पे। वो कह रहा है नंबर डैश टुगेदर विद द नेचुरल नंबर्स गिव अस द होल नंबर, किस नंबर के साथ मैं जब भी किसी नेचुरल नंबर को ऐड करती हूँ तो मेरे पास आंसर हमेशा क्या आता है, होल नंबर ही आता है। तो जीरो का ऐसा नंबर है जब भी हम इस चीज़ को किसी भी नेचुरल नंबर में ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या होगा, हमेशा वो वाला नेचुरल नंबर ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट वाला फिलिंग द ब्लैंक देखें, द नंबर्स डैट वी यूज फॉर काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स, ऐसे नंबर जिसको हम यूज़ करते हैं काउंट करने के लिए ऑब्जेक्ट्स के, दे आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर्स। नेचुरल आएगा यहाँ पे ब्लैंक में। थर्ड वाले देखें, द नंबर्स डैट कैन बी डिवाइडेड बाय टू, ऐसे नंबर जिनको हम टू पे डिवाइड करते हैं आर कॉल्ड द डैश नंबर्स। वो कौन से नंबर्स होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं। टू रिप्रेजेंट द सेट ऑफ डैश नंबर्स वी यूज द कैपिटल लेटर डब्ल्यू। वो कह रहा है कि कौन सा सेट है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लेटर डब्ल्यू यूज़ करते हैं, तो वो हमारे पास कौन सा सेट है, होल नंबर्स का सेट। तो यहाँ पे क्या आएगा, होल, डब्ल्यू एच ओ एल ई, होल। फिफ्थ वाली देखें, ब्लिंक द ब्लैंक, द प्रोडक्ट ऑफ वन एंड अ होल नंबर इज ऑलवेज द होल नंबर इटसेल्फ। जो मल्टीप्लाई करना है हमने होल नंबर को किसी भी सॉरी वन के साथ, हमेशा हमारे पास होल नंबर ही आएगा, हैंस वन इज कॉल्ड द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो वन हमारे पास क्या है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है, एम यू एल टी आई मल्टी पी एल आई सी ए टी आई वी ई मल्टीप्लीकेटिव। अब आप लोग आएंगे अपने थर्ड पार्ट की तरफ, थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये आपका है सॉरी एम सी क्यूज वाला पोर्शन, द नंबर्स डैट कैन बी डिवाइडेड बाई टू एग्जैक्टली आर कॉल्ड डैश नंबर्स, सॉरी डैट कैन नॉट बी डिवाइडेड, ऐसे नंबर्स जो दो पे मुकम्मल तकसीम नहीं होते उनको हम कौन से नंबर्स कहते हैं, ऑड नंबर्स। तो इसका आंसर आपका डी होगा। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज, सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है, वन, इसका आंसर आपका बी होगा। थर्ड पार्ट देखें, टू रिप्रेजेंट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स वी यूज द कैपिटल लेटर, नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल लेटर इस्तेमाल करते हैं कौन सा, सी इसका होगा एन, कैपिटल एन। टू रिप्रेजेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वी यूज द सिंबल, तो फर्स्ट वाला ए में देखें उसके लिए हम वो सिंबल होता है स्मॉलर के लिए, बी है स्मॉलर देन और इक्वल टू, सी में है हमारे पास ग्रेटर देन, और जो डी एम सी क्यूज में हमारे पास सिंबल है वो बताता है हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू। फिफ्थ एम सी क्यूज देखें, वो कह रहा था सम ऑफ द टू होल नंबर्स इज ऑलवेज द डैश, कि दो होल नंबर्स का सम हमेशा किसके इक्वल होता है, हमारे पास होल नंबर के इक्वल ही होता है, तो इसका हमारे पास होगा डी एम सी क्यूज। इसी के साथ आज के लेक्चर के साथ हमारी ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज भी कम्प्लीट होती है और हमारा चैप्टर नंबर टू भी कम्प्लीट होता है। और मुझे उम्मीद है कि सिक्स क्लास आप लोग जो है, अब आप लोगों ने ईद की वेकेशंस पे जाना है, और ईद की वेकेशंस हैं जैसे कि आपको पता है फोर आपको 3rd तक चार छुट्टियां बन रही हैं आपको, तो छुट्टियों पे जाने से पहले सारे बच्चे अपने जो चैप्टर नंबर वन और चैप्टर टू नंबर टू का काम है सारे का सारा अच्छे तरीके से कम्प्लीट कर लेंगे। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़ सिक्स क्लास।